नमस्कार मु तृप्तिकांत स्वईं ओली प्रॉपर्टी डॉट इन टू जदि आपण ओडिसा रे गोटे अपार्टमेंट किनिमा को प्लान करचोंती एंड सर्च भी करचोंती और आपण गोटे अपार्टमेंट ऑलरेडी परचेस करि सरचोंती आपण ईएमआई भी चलीची एंड इट्स रेडी टू मूव बट आपण रजिस्ट्री करि पर्नंती प्रॉपर्टी आपण ना रे सेल डीड हे पारनी तो आपण निश्चिंत जानथिबे आपण ऑल ओडिसा रे प्रॉब्लम फेस करा जाउची मेरे गोटे सुप्रीम कोर्टर सॉरी हाई कोर्टर गोटे पीएल अगेंस्ट रे माननीय हाई कोर्ट आईजीआर मीन्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रर ताको गोटे ऑर्डर दले कि जदि कोनोसी अपार्टमेंट एज पर रेरा गाइडलाइन को फॉलो कर न करा जाउची कि फॉलो न करा जाय कंप्लीट करा जायची देन आपण से प्रोजेक्ट को डिनाय करि पारंती रजिस्ट्रेशन करिबारे ओके यदि रेरा को न मानिकी करा जाउछ कंप्लीट तो मे मास रे आईजीआर गोटे नोटिस क्रमे सब रजिस्टर एंड रजिस्टर माने अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन बंद करदे कहीं आप बुझीपे रेरा लॉ को कंप्लाय करा जाउ नथिला बहुत रेवेन्यू लॉस बहुत प्रेशर समहाउ जुलाई 14 रे आईजीआर आउ गोटे पब्लिक नोटिफिकेशन दौंस से कहते कि आपण मैंने अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करें बट किसी कंडीशन सहित कि रेरा इम्प्लीमेंट है 2017 रे जदि ता पूर्वर किसी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट अच्छे देन आपण तार अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करें और जदि कौन अपार्टमेंट रो सोसाइटी फॉर्मेशन हो जाए एंड जदि तार जो कमन एरिया सोसाइटी हैंडओवर बिल्डर करदे देन तहले भी आपण अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करें बट बिलीव मी कौन से अपार्टमेंट एवं रजिस्ट्रेशन हो पार बिकज ये दुटा जिनसे कौन से कंप्लाय कर जदि 2017 पूर्व गोटे प्रोजेक्ट कम्प्लीट होती डिफाइन केमी करेंगे ये कम्प्लीट होती सब सिंपल जिनस हूँ कम्प्लीशन एंड अकुपेसन सर्टिफिकेट कि ये प्रोजेक्ट रहा योग्य हो जाए बिल्डिंग टी कम्प्लीट एंड आउ गोटे जिनस मुझे कहि जो मैं लास्ट जो भिडियोटा मुझे पोस्ट करी सेठी मोर जड़े यूजर मत कमेंट करते कि सर मो प्रोजेक्ट टी कम्प्लीट हो गए प्रोजेक्ट नहीं दैट इज कम्प्लीटेड एंड बिल्डर मत बारंबार बाध्य कर प्रोजेक्ट एवं हैंडओवर नहीं जातु बट रजिस्ट्रेशन एवं हो पार्नि बट आप हैंडओवर नहीं जातु मो हैंडओवर नेबी कि ना तो मतलब सिंपली कहली मीनस कमेंट रिप्लाय करी कि आप बिल्डर कहतु कि आपको अकुपेन्सी सर्टिफिकेट देदेव जदि बिल्डर आप अकुपेन्सी सर्टिफिकेट दे दूसरे देन आप पोजिशन लेटर नहींक्र आपड़ बिल्डिंग रही जातु जिते बड़े आप प्रोजेक्ट आपंकर सॉरी ऑल ओडिशा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपड़ रजिस्ट्रेशन करेंगे दैट इज नॉट एन इश्यू तापर किसी रिप्लाय आसनी आई डोंट नो तर कौन है देखो आ पर अकुपेन्सी सर्टिफिकेट लोक मैंने बहुत रिसर्च करते कि बस अकुपेन्सी सर्टिफिकेट कहीं दरकार है बिलीव मी ये भिडियोटा देखला आपको मुझे ट्राए कर बहुत किसी अकुपेन्सी सर्टिफिकेट विषय क्लीयर करदे क्लीयर भी होगी आप कहीं अकुपेन्सी सर्टिफिकेट ये आवश्यक देखो अकुपेन्सी सर्टिफिकेट जो वर्डटा आप बुझीपे अकुपेन्सी सर्टिफिकेट मीनस आप जो प्रोजेक्ट रे विषय कथबार्ता होती और रहा इच्छा करैट इज रेडी टू अकुपाए मीनस आपणकर से प्रोजेक्ट टी एवं रहा योग्य होतीपाई गोटे आपणकर लोकल अप्रूवल अथॉरिटी गोटे सर्टिफिकेट देवे से सर्टिफिकेट दर्शेब कि आप घर एवं रहीपर ये घर एवं सेफ अच्छे आप बस न सेफ ना कौन है कौन असुविधा अच्छे मतलब अकुपेन्सी न मिलला आपको गोटे प्रकार इलीगल भी मना जाए पारे कि आपण को गोटे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आप रोचे जोटा नॉट रेडी टू सेफ अकुपेन्सी सर्टिफिकेट बुझा पूर्व आप बुझा पड़े गोटे प्रोजेक्ट लाइफ सैकल विषय गोटे प्रोजेक्ट लाइफ सैकल को छटा पार्ट डिवाइड कर वन लैंड एक्विजिशन सेकेंड एनओसीस एंड अप्रूवल्स थ्री आपणकर आसब कंस्ट्रक्शन देन कंप्लीशन सर्टिफिकेट देन आसब अकुपेन्सी सर्टिफिकेट एंड देन पोजिशन लेटर और पोजिशन सर्टिफिकेट ये छटा पार्ट डिवाइड कर पार्बा द फर्स्ट आम डिस्कस करवा कि लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन बहुत आप वार्ड रू पूरा जापारे कि जदि गोटे बिल्डर अच्छी जदि तर निजर सब लैंड अच्छी देन तक लैंड एक्विजिशन आवश्यकता ना बिकज ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन करके रखी बट आपर भी बहुत गोटे आसे कि जॉइंट वेंचर गोटे कौन सी लैंड अच्छे 10,000 स्क्वायर फिट
एंड लैंडलॉर्ड एंड बिल्डर भितर जॉइंट वेंचर करागला कि 10,000 स्क्वायर फुट 20 घर है 20 घर 10 घर बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर लैंडलॉर्ड ओनर को देदे 10 घर निजे सेल करदे ये आप जॉइंट वेंचर रे तो बेसिकली लैंड एक्विजिशन करागला लैंड एक्विजिशन कला सेकेंड हूँ एनओसी एंड अप्रूवल एमती नुहे मुझे गोटे लैंड एक्विजिशन करदेली जाए सांगे सांगे बिल्डिंग ठिया करदेवि यहाँ भी आपने मैक्सिमम जानते कि सेमती हुए नहीं आपटे प्रॉपर अप्रूवल चैनल को थ्रू रे ही आपको जवाब पड़े से अप्रूवल प्रोसेस को जीवापी आपको बहुत गुट एनओसी लगे लाइक आपंकर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रु कि ट्रांसफर बसइबे से एनओसी देवे आपन वाटर डिपार्टमेंट रु किसी जगह आपणकर जी हाई रेज है तो फायर डिपार्टमेंट कौन कौन जी एयरपोर्ट पाखे अच्छी देन एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आपको अप्रूवल ना पड़े कि आप प्रोजेक्टा अच्छी फनेल जोन में आसूना एंड जोनिंग भी चेक करा पड़े कि प्रॉपर्टीटा प्रॉपर जोनिंग रे अच्छी कि ना लाइक एग्रीकल्चर जोन में तो ना कि फॉरेस्ट जोन में तो ना ये सब आप बहुत गुड़े एनओसी ने पड़े एनओसी सहित आप्रूवल अथॉरिटी लाइक भुवनेश्वर कथा कह भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी कि बीएमसी पूरी अच्छी पूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइक पीकेडी ब्रह्मपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी राउरकेला डेवलपमेंट अथॉरिटी से लोकल बॉडी जो अप्रूवल अथॉरिटी लोकल बॉडी रहिले तांकु ए एनओसी ता सहित आपनकु बिल्डिंग रो गोटे प्लान गोटे प्रोजेक्ट प्लान आपनकु सबमिट करया पड़े से ओल अथॉरिटी सब चेक करती जदि किसी चेंजेस करिवार अछि से माने तांकु पुनी फाइल रिटर्न करिवे फाइल रिटर्न हेला परे से माने पुनी करेक्शन करी पुनी आर्किटेक्ट तांकु फोन थरे सबमिट करिवो ये प्रोसेस सब ऑनलाइन हे गेला ने आजिका दिन रे एंड फाइनली आपनकर प्रोजेक्ट अप्रूवल हे गेला आपण लोकल बॉडी अप्रूवल करदे अप्रूवल पर जदि कौन प्रोजेक्ट रेरा कम्प्लेक्स एप्लीकेबल तो से रेरा रे, पुणी रेरा आप्लाई करवाक पड़े रेरा भी तार पूरा डिटेल तो चेक करे अप्रूवल अच्छी कि ना ता लीगल चेक ता प्रॉपर्टी चेक से सब चेक कला पर रेरा तरह अप्रूवल दिए जदि रेरा कौन प्रॉपर्टी कौन किसी प्रॉपर्टी जमी 8 यूनिट प्रोजेक्ट है रेरा कम्प्लाई करूनी देन से डायरेक्टली बीएमसी अप्रूवल कि बीडीए अप्रूवल और लोकल बॉडी अप्रूवल पर कंस्ट्रक्शन काम आरंभ कर दिया जाए ओके तो आम कंस्ट्रक्शन करदे कंस्ट्रक्शन हो गला जिते बड़े कंस्ट्रक्शन हो गला एवं आम जाना केमती प्रोजेक्ट कम्प्लीट है ये आम पुणी लास्ट तीन टा प्रोसेस दिए आम जीपा फर्स्ट जो लास्ट तीन टा प्रोसेस चार नंबर प्रोसेस आम तीन टा कथा गले चार नंबर प्रोसेस हूँ कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देन अकुपेन्सी सर्टिफिकेट देन आपणकर कौन आसला आपणकर पोजिशन लेटर और पोजिशन सर्टिफिकेट तो प्रथम आम अकुपेन्सी सर्टिफिकेट पूर्व आमको बिल्डिंगटा कम्प्लीट हो ना से देखा पड़ो ताप अप्रूवल अथॉरिटी किए हूँ आप आर्किटेक्चर और लोकल बॉडी जदि कौन थर्ड पार्टी को हायर कर अपॉइंट कर ऑथराइज कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करने को से चेक करेंगे चेक कलापर एज पर द नॉर्म सब होती कि चेक कलापर से गोटे कम्प्लीशन लेटर देते मीन आप प्रोजेक्ट एवं कम्प्लीट होगा आपड़ से कम्प्लीशन लेटर ता सहित आप खास कर बिल्डर जी अच्छे या डेवलपर जी से कम्प्लीशन लेटर सहित आपणकर जो एनओसी आप एनओसी आपणकर जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जोटा होता से प्लान अप्रूवल तीन कॉपी आई थिंक तीन टा फोटो कॉपी एंड सहित आहरी किसी डॉक्यूमेंट्स अच्छी फायर एनओसी एंड वाटर एनओसी सब सहित आप सबमिट करेंगे कौन पे ना ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट पे सॉरी बिल्डर सबमिट करेंगे ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट पे एबे लोकल बॉडी से कौन करेंगे से ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट दबा पूर्व से माने अपन साइट को जे चेक करेंगे साइट से माने बेसिकली कौन चेक करेंगे कि एज पर प्लान जो प्लान आप सबमिट करते जो बिल्डिंग बायलॉ देकर आप प्रोजेक्ट आरंभ करते कि कंप्लीट कर सब रूल्स गाइडलाइन फॉलो होती कि ना इवेन से देखिए जी गोटे लेखा अच्छे कि आम यू गोटे बिल्डिंग साइड में 50 गच प्लांटेसन देवु तो 50 प्लांटेसन हो ना तो छोट जिन बट मेजर जिनस चेक करती आप सेटबैक एरिया आपड़ धरतु गोटे प्रोजेक्ट G+4 अप्रूवल नहीं आप कौन G+5 करदे जदि 5 कर देन आप अधिक कंस्ट्रक्शन दैट इज डेविएशन होगा सी तक रिजेक्ट करदे आप कहते मुझे 20 पार्किंग देवी आप 10 पार्किंग देखते रिजेक्ट करदे बेसिकली कह जहाँ आप्रूवल इम्पोज करते आप्लाय करते जो आप्रूवल आप लेआउट से सब कम्प्लाय हो ना ता सहित वाटर कनेक्शन प्रोजेक्ट को आसी जाइए कि ना आपणकर फायर ओनरशिप आसीगला कि ना जदि हाई राइज अच्छी तो फायर फाइंडिंग सिस्टम प्रॉपर इंस्टॉल नहीं
ଆପଣ ୱାଟର କନେକ୍ସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍, ଲିଫ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଆମ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟର୍ରେ, ସବୁ ଆମ୍ୟୁନିଟିସ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ସେମାନେ ଆସିକରି ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡେଭିଏସନ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ବିଲ୍ଡର୍କୁ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ୱିଦିନ୍ 15 ଡେଜ୍ରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବିଲ୍ଡର୍କୁ। ଯଦି ନହେଲା ବିଲ୍ଡର୍ ତାକୁ ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ବିଲ୍ଡର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ। ତ ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ନୁହେଁ। ତ ବିଲ୍ଡର୍ ସବୁ ନର୍ମ ଯଦି ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି କହିଲା ୟେସ୍ ନାଓ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡ଼ି ଟୁ ଅକୁପାଏ, ମିନ୍ସ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଫ୍ ଅଛି ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଫାଇନାଲି ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେବ। ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ଡର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ୍ର ଓନର୍ସିପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଦେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ବି ଅଛି କି 5 ଇୟର୍ ଯାଏ ଆଜ୍ ଫର୍ ହୀରା ମେଣ୍ଟେ 5 ଇୟର୍ ଯାଏ ତାକୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବିଲ୍ଡର୍ ତ ଟେକ୍ କେୟାର୍ କରିବ, ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଇଦେଲା ବିଲ୍ଡର୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କମିଗଲାଣି କି ବିକଜ୍ ଆପଣ ଏବେ ଓନର୍ସିପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଏବେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେଉଛି କି ଓସି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, କି ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଇ ଦ କନ୍ସର୍ନ ଅଥରିଟିଜ୍। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମୁଁ କହିଲେ କନ୍ସର୍ନ ଅଥରିଟି ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫଲୋ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରେ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଇକ୍ୟୁପାଡ଼୍ ୱିଥ୍ ସିଭିକ୍ ନିଡ୍ ସଚ୍ ଏ ସାନିଟେସନ୍, ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସାନିଟେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଦ ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଲିଗାଲି ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଟୁ ଅକ୍ୟୁପାଏଡ଼୍। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଫ୍, ଆପଣ ଏବେ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଦେଲା ନାଓ ଇଟ୍ ସେଫ୍ର। ତ ନିହାତି ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଅବଟେନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଲ୍ଡର୍ ନ ଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମନା କରିପାରନ୍ତି କି ବସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଦେଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ଡର୍ର ଫିଜିକାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ନେବିନି, ଆପଣ ମନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ପୋଜିସନ୍ ଆର ନେବିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ନୁହେଁ, ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଯଦି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ଫୋରମ୍ରେ ବିଲ୍ଡର୍ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ କି ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଲ୍ଡର୍ ମୋତେ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉନି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସିଂ ମୁ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍, ଆପଣ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେରାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ରେରାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ବିଲ୍ଡର୍ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ କପି ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରିବେ କି ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବେସିକାଲି କେମିତି ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲିଂ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆଜ୍ ପର୍ ଆପଣ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ନେବେ, ଆଜ୍ ପର୍ ଥିଓରି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇବେ ବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ କି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବି ଆପଣ ଟିକିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜାଣିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରିଏଲରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ବଟ୍ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡର୍ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡର୍ କଲେ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରେଡ଼ି ହୋଇଛି, ଆପଣ ବାକି 10% ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅକ୍ୟୁପାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି କି, ଦେନ୍ ଆପଣ ତାର ପୋଜିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କିଛି କାମ ହୋଇନି, ଅଧା କାମ ହୋଇଛି କିମ୍ବା 90% କାମ ହୋଇଛି, 10% କାମ ଆପଣ ବାକି ଅଛି, ବିଲ୍ଡର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି, ପସିବିଲିଟିସ୍ ଅଛି, ମନା କରିବିନି ବିକଜ୍ ଏଠି ସବୁକିଛି ପସିବଲ୍, ସବୁକିଛି ମୁମ୍କିନ୍ ଏଠି ଅଛି। ତ ଆପଣ କ୍ଲିଅରଲି ଯାଇକରି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ତ ଅଧିକ ନେଇଛି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପାରିଛି କି ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସିଟା ନିହାତି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ।